नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऑडियो के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन की ऑडियोज डिलीट हो गई है, किसी भी टाइप की ऑडियोज हो, चाहे वह ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऑडियो सॉन्ग्स हो सकते हैं, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, कुछ भी, अगर आपका ऑडियोज जो डिलीट हो गया है, अगर आप उसे रिकवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि डिलीटेड ऑडियोज को किस प्रकार रिकवर किया जाता है, किस वापिस लाया जाता है, क्योंकि काफी फ्रेंड्स की दिक्कत थी कि उनकी जो ऑडियोज है वे डिलीट हो जाती हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है किसी भी कारणवश, अपनी गलती या कुछ भी। तो अगर आपकी भी डिलीट हो गई है और अगर आप उन्हें रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा, तो आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कुछ नया सीख सके, कुछ नया जान सके, तो उसके लिए ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी ऑडियो फाइल्स डिलीट हो गई है और आप अपने डिलीटेड ऑडियोज को रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। दोस्तों, प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन का नाम मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर देता हूँ, उसका लोगो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ नज़र आएगा। तो ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये वाली एप्लीकेशन आपको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। दोस्तों, ये वाली एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जैसे आप सर्च करेंगे डिलीटेड ऑडियोज रिकवरी तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से हमारे सामने यहाँ ओपन होती है। ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर इंग्लिश ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इंग्लिश ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमें रीस्टोर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। रीस्टोर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर रीस्टोर्ड वीडियो आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ से जो ये सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो भी ऑडियो फाइल्स है वो यहाँ से सर्च होगी। कुछ समय का टाइम लगेगा, लेकिन आपकी सभी ऑडियो फाइल्स यहां से सर्च हो जाएगी। फिर आप अपनी इन सभी ऑडियो फाइल्स को देखिए, हमारी यहां पर 19 फाइल्स फाउंड हुई है। इन फाइल्स को अब हम यहां से रिकवर कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो जो भी फाइल्स आप लेना चाहते हैं, उस फाइल पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहां से रिस्टोर नाउ बटन पर क्लिक करके इसे रिस्टोर कर लेंगे। एक तो तरीका ये है जिस मदद से आप अपनी डिलीटेड फाइल्स को रिस्टोर एंड रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं वे भी आपके काफी ज्यादा काम आएगा। तो उसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है और यहां से आपको अपने स्मार्टफोन के जो फाइल मैनेजर ऑप्शन होता है, इस फाइल मैनेजर ऑप्शन के अंदर आपको जाना होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने यहाँ ऑडियोज जो लिखा हुआ आ रहा है, इस ऑडियो फाइल्स के अंदर आपको जाना है। ऑडियो फाइल्स के अंदर जाने के बाद दोस्तों, अगर आपकी कोई सी भी ऑडियो फाइल्स डिलीट हो गई है तो उसे रिकवर करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने स्मार्टफोन में यहाँ पर ये 3 डॉट्स शो रहे हैं, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये रिसाइकल बिन वाला ऑप्शन आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है, इस रिसाइकल बिन वाले ऑप्शन से आप अपने जो डिलीटेड फोटोज़ हैं या डिलीटेड ऑडियोज हैं उन्हें आप यहाँ से रिकवर करेंगे। देखिए, हमारे पास हमारी एक ये ऑडियो जो डिलीटेड ऑडियोज़ है, इसे मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इस टाइप से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने यहां पर यह ऑप्शन नजर आ जाता है, रीस्टोर बटन। इस रीस्टोर बटन पर मैं प्रेस करता हूं तो यहां से हमारी यह फाइल जो थी ये रीस्टोर रिकवर हो गई है। देखिए, यहां पर यह आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपनी डिलीटेड हुई फाइल्स को रिस्टोर एंड रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, जो दोनों ही मेथड, जो दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको ये तरीके, ये मेथड पसंद आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन काफी फ्रेंड्स ये कहेंगे कि भैया, हमारे फोन में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन के इन्हीं 3 डॉट्स बटन पर जाना होगा।
यहाँ पर जो सेटिंग ऑप्शन आपके सामने ये आ जाता है, इस सेटिंग ऑप्शन बटन पर आपको प्रेस करना है और यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आपके सामने ये शो हो जाता है, देखिए दोस्तों रिसाइकल बिन, इस रिसाइकल बिन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से अगर ये ऑफ है तो इसे ऑन कर ले, क्योंकि ऑफ के अंदर आपके फाइल्स फोल्डर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं तो डिलीटेड जो भी ऑडियोज थी वह आप यहाँ से उसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका काफ़ी शानदार है, काफ़ी सस्ता है और काफ़ी बढ़िया मेथड है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके डिलीटेड जितने भी फोटोज, ऑडियोज, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो सॉन्ग्स, जो भी डिलीट हो गया है, आप उसे यहां से रिकवर, रिस्टोर कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये मेथड पसंद आया, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस मेथड को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और मैं आपसे तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ नया सीख सके, कुछ नया जान सके। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।